السلام عليكم كلاس، क्लास आवाज आ रही सबको? हाँ कैसे हैं सब लोग? ठीक है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने शोल्डर गर्डल और अपर लिम्स डिस्कस किया था, ठीक है? उसको जरा क्विकली थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब शोल्डर गार्डन में बेसिकली क्लेविकल और स्कैपुला, सबसे पहले फिर हमने क्लेविकल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जो कि इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है? एस शेप बोन है, दो जॉइंट्स बनाती है, एक स्टर्नम के साथ, एक उसके साथ स्कैपुला के साथ। तो जो स्टर्नम के साथ जॉइंट होता है उसका वो उसको हम स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, और जो एक्रोमियन प्रोसेस जो स्कैपुला का उसके साथ जो जॉइंट बनता है उसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमने स्कैपुला डिस्कस किया था। स्कैपुला में जो है वो उसके जो जो कि एक फ्लैट बोन है, बेसिकली ट्रायंगुलर शेप बोन, ठीक है? और उसके जो हमने मेन पार्ट्स जो डिस्कस किए थे उसमें एक एक्रोमियन प्रोसेस था। एक्रोमियन प्रोसेस के बाद एक उसका स्पाइन जो एक पार्ट था, फिर दो फॉसा थे, एक सुप्रा स्पाइनस फॉसा और एक इंफ्रा स्पाइनस फॉसा, ठीक है? उसके बाद उसका जो है हमने एक ग्लेनॉइड कैविटी जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें आके हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है बेसिकली फिट होता है, और उसके जो है कोरापॉइड प्रोसेस था, ठीक है? तो ये कुछ हमने उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे। उसके बाद जो है वो हमने क्लेविकल और स्कैपुला के बाद हमने फिर अपर लिम्स डिस्कस किए थे। उसमें ह्यूमरस जो है वो एक अपर आर्म की बोन है, ठीक है? उसके ह्यूमरस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसके बाद जो फोर आर्म की दो बोन्स रेडियस और अल्ना वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? और फिर कार्पल्स जो कि एट कार्पल्स थे, टू रोज में जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है? उसके बाद मेटा कार्पल्स के बाद फेलेंजेस जो है तो बेसिकली जिसके सिंगल फैरिंग्स, ठीक है? तो ये जो है हमने
जो आज हम स्टार्ट करना है वो है पेल्विक गर्डल। अब जो बेसिकली पेल्विक गर्डल है, ये हिप बोन से मिलके बनता है। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? क्लास आवाज आ रही है सबको? अच्छा, जो पेल्विक गर्डल है, ठीक है, जो पेल्विक गर्डल है ये बेसिकली हिप बोन्स से मिलके बनता है। ठीक है, हिप बोन्स जो है वो टू हिप बोन्स होती हैं बेसिकली। और जो हिप बोन है एक, वो थ्री डिफरेंट बोन्स से मिलके बनती है। ठीक है, सबसे पहले तो हिप बोन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेल्विक गर्डल जो है वो टू हिप बोन से मिलके बनता है। ठीक है, और वो जो हिप बोन है वो इंडिविजुअल थ्री डिफरेंट बोन से मिलके बनता है। ठीक है, बनती है। ठीक है, हिप बोन जो है, अब उसमें वो जो थ्री बोन्स कौन कौन सी हैं, उसको एक एक इलियम है, दूसरी जो है वो इस्कियम है, और द थर्ड है वो है प्यूबिस है। ठीक है, थ्री डिफरेंट जो है ये जो है बोन्स मिलके हिप बोन बनाती हैं। हिप बोन को इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वाइवा में पूछ लेता है कि इननॉमिनेट बोन कौन सी है, तो वो हिप बोन है। इननॉमिनेट मतलब इसको शुरू शुरू में जब ये इस पे स्टडी हो रही थी, इसको कोई नाम नहीं दिया था, इननॉमिनेट के जिसका कोई नाम ही नहीं था। ठीक है, इसको इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं, और बेसिकली अब इसको हिप बोन कहते हैं। ठीक है, तो हिप एक जो हिप बोन है बेसिकली थ्री डिफरेंट बोन से मिलकर बनती है, और वो थ्री डिफरेंट बोन्स कौन कौन सी हैं, एक इलियम है, दूसरी इस्कियम है, और थर्ड जो है वो प्यूबस है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल ये दो हिप बोन से मिलके बन रहा है, और ये जो एक बेसन शेप्ड, अगर आप ये नेक्स्ट डायग्राम देखें, हाँ, तो ये जो एक बेसन शेप्ड बोन, मतलब ये जो एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ओवरऑल, इसको हम पेल्विस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। ठीक, आपने शुरू शुरू में पढ़ा होगा, एक पेल्विक कैविटी होती है। ठीक है, जो कि बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी के इन्फीरियर होती है, तो उसी से हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली ये पेल्विस है, जो कि एक पेसन शेप्ड ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पेल्विस कहते हैं। ठीक है, अब पेल्विस जो है बेसिकली, पेल्विस को रीजन वाइज हम जो है वो टू टू रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक एक को हम ट्रू पेल्विस कहते हैं, और एक को हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं। ठीक है, एक को हम ट्रू पेल्विस कहते हैं, ठीक है, उसको ग्रेटर पेल्विस भी कहते हैं, और एक को हम फॉल्स पेल्विस भी कहते हैं। ठीक है, अब जो ट्रू पेल्विस कहाँ तक होती है, और फॉल्स पेल्विस जो है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जो ये आपको एक इस डायग्राम में एक एक पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, जिसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये एक सैक्रम का पार्ट है। ठीक है, और ये जो पेल्विस है बेसिकली ओवरऑल, जो मतलब पेल्विस किन किन बोन से मिलके बन रही है, उसमें एक सैक्रम है, कॉक्सिक्स है, और ये जो दोनों हिप बोन्स हैं, और हर हिप बोन में एक इलियम, इस्कियम और प्यूबिस है, ये जो ओवरऑल बेसिकली स्ट्रक्चर सारा बन रहा है इन सारी बोन से, और ये बेसन शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम ओवरऑल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रू पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस कौन सी है, और फॉल्स या लेसर पेल्विस कौन सी है। तो इसमें जो ट्रू पेल्विस है वो सेक्रल प्रोमोन्ट्री के ऊपर ऊपर जो पेल्विस का रीजन है, उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। ठीक है, जबकि सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये जो सेक्रम का पार्ट है,
इसके नीचे वाला पेल्विस का जो रीजन है उसको हम लेसर या आ, आ, जो है वो फॉल्स पेल्विस कहते हैं। ठीक है, समझ आई इन चीजों की या नहीं आई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसमें कोई क्लास, इसमें कोई क्वेश्चन, फिर हम इंडिविजुअल बोन्स में को डिस्कस करते हैं। क्लास यहां तक को समझ आई है इन चीजों की या नहीं आई? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो ये जो, अच्छा मैं बता देता हूँ, सबसे पहले पैल्विस, पैल्विक गर्डल है। पैल्विक गर्डल दो हिप बोन्स मिलकर बनता है। ठीक है, और जो हिप बोन्स को, ये जो है इनको हम इननोमिनेट बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, दो हिप बोन्स मिलके बन रहे हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, अब जो हिप बोन है, एक हिप बोन वो बन रही है थ्री डिफरेंट बोन्स है। ठीक है, मतलब एक ही उन उनमें एक इलियम है, दूसरी इस्कियम है, और तीसरी जो है वो प्यूबिस है। ठीक है, तीसरी जो है वो कौन सी है? वो प्यूबिस है। अभी पहले इस डायग्राम को पहले गौर से देखें। ये जो आपको जो सुपीरियर पार्ट है इस एक बोन को देखें, राइट साइड पे जो हिप बोन है, एक तो इसमें आपको सैक्रम नजर आ रही है। ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सैक्रम जो है वो सात जॉइंट बनाती है इलियम के, और जो जॉइंट बनता है वो सैक्रो इलियक जॉइंट बनता है। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन द सैक्रम एंड इलियम इज कॉल्ड एज सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, तो जो वर्टिबल कॉलम है उसके साथ पेल्विक गर्डल या जो हिप बोन्स का जो जॉइंट बन रहा है, बेसिकली वो बन रहा है बिटवीन द इलियम एंड सैक्रम। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो जो इसका सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, सुपीरियर पार्ट जो इस हिप बोन का है वो है इलियम। ठीक है, उसके बाद और ये जो ऐसे एक राउंड सा स्ट्रक्चर जो है बोन है, ये इलियम है। ठीक है, इसको लेबल भी किया हुआ है। उसके नीचे आ जाए तो ये एक आपको एक पार्ट नजर आ रहा है, एसिटेबुलम। एसिटेबुलम के नीचे आपको जो एक बिल्कुल ऐसे कर्व्ड सी जो बोन नजर आ रही है, ये है इस्कियम। और ये जो है बेसिकली ये जो आपको कर्व्ड बोन नजर आ रही है, ये है इस्कियम। अब ये जो अगर आप अपनी बुक में देखें, इसमें जरा इसको डिफरेंशिएट इतना अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ इसमें जो इस्कियम के साथ ये जो आपको ये कर्व से बोन है, ये हाफ जो है वो बोन हाफ तक समझ लें कि ये इस्कियम है। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्यूबिक आर्च आपको नजर आ रही है, जो इन्फीरियर पोर्शन है इसका, वहां पे करके ये जो बोन है ये प्यूबिक बोन है, प्यूबिस है। ठीक है, तो ये थ्री डिफरेंट बोन्स मिलके बना रही हैं एक हिप बोन। ठीक, अच्छा ये जो है वो थ्री डिफरेंट बोन्स मिलके बना रही है एक हिप बोन। और अब इसमें जो है जो फॉल्स पेल्वस कौन सी है, ट्रू पेल्वस कौन सी है? ठीक है, अब इसमें आप देखें सैक्रम का एक पार्ट नजर आ रहा है जिसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसको उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ठीक है, अब सैक्रल प्रोमोन्ट्री के नीचे जो पेल्वस का, क्योंकि ये एक राउंड राउंड शेप रीजन है सारा। ठीक है, और इस बेसिकली अगर आपको याद हो तो पेल्विक रीजन में बेसिकली जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली, तो उसमें एक
फीमेल्स के अंदर जो है वो बेसिकली ओवरीज होती हैं, यूट्रस होता है, ठीक है, वजाइना, और ये सारे जो फीमेल पेल्विक रीजन के जो ऑर्गन्स हैं, और साथ यूरिनरी ब्लैडर होता है, और रेक्टम, एनल कनाल, ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये पेल्विक कैविटी में होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स, ये वाले सारे ऑर्गन्स, ठीक है। जबकि मेल्स के अंदर जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स हैं उनमें बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, यूरिथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और बाकी जो है वो कॉमन है, रेक्टम, एनल कनाल, और ये जो जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं वो तो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ऑर्गन्स को हम उनको बेसिकली फिर हम इस पेल्विक कैविटी को, इस पेल्वस को हम टू डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं। एक को हम ट्रू या ग्रेटर पेल्विस कहते हैं, जबकि एक को हम फॉल्स या लेसर पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेक्रल प्रोमोन्ट्री के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, जो पेल्विस पेल्विस का है, उसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं या ग्रेटर पेल्विस कहते हैं, जबकि इसके नीचे वाला जो रीजन है पेल्विस का, उसको हम फॉल्स पेल्विस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक अब? तो ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, हिप बोन्स, फिर थ्री जो डिफरेंट बोन्स हैं उनमें एक इलियम है, इस्कियम है, और थर्ड जो है वो प्यूबिस है। ये चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसमें जो है जरा हम इस स्लाइड को जरा थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करते हैं। पेल्विक गर्डल फॉर्म्ड बाय टू हिप बोन्स, ठीक है, और उसके बाद ईच हिप बोन जो है फॉर्म्ड बाय थ्री डिफरेंट बोन्स, फॉर्म्ड बाय थ्री डिफरेंट बोन्स, और उसमें जो है एक इलियम है, दूसरा इस्कियम है, और थर्ड जो है वो ट्यूबेस है, ठीक है। फिर एक पेल्वस जो है वो किन किन बोन से मिलके बन रही है? ये हिप बोन्स प्लस सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलके ये पेल्वस बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसमें जो है जो इलियम है, सबसे पहले हम इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इलियम जो है वो अपर पार्ट होता है पेल्विक गर्डर का, ठीक है, और ये एक फ्लैटन पार्ट होता है, फ्लैट सा भी होता है और स्लाइटली राउंड सा भी होता है, ठीक है। और एक जो इसका मेन जो पार्ट है, जो दोनों साइड पे आप देखेंगे, एक इसका पार्ट है, बुक में भी है, इलियक क्रेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है, जो एक दो क्रेस्ट आपको नजर आएंगे इस इसमें, एक एक राइट साइड पे आएगा, एक लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, ये इलियम का पार्ट है, ठीक है। इसकी हम जो है वो बेसिकली पेल्विक गर्डल का पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला और नीचे वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और इसका जो एक मोस्ट प्रोमिनेंट जो एक पार्ट है, जो कि जब हम बैठते हैं तो ग्राउंड को जो है वो किसी हद तक वो मतलब इन कांटेक्ट आता है, उसको हम इस्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ये बुक में भी आप देख सकते हैं, आपको नजर आएगा, जो ये बेसिकली इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है इसका, इस्कियम का, ठीक है। और जिस पॉइंट पे दोनों जो प्यूबिक बोन है, प्यूबिस बोन जो है वो मिलती हैं, उस पॉइंट को हम सिंफिसिस प्यूबिस कहते हैं। द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ द प्यूबिस बोन्स मीट, वो दोनों राइट साइड पे प्यूबिस बोन है, एक लेफ्ट साइड पे प्यूबिस बोन है, ये दोनों जहां पे मिलते हैं, तो इसमें जो है उस पार्ट को हम कहते हैं सिंफिसिस प्यूबिस, ठीक है। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिंफिसिस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। और ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, एक कार्टिलेज इनमें प्रेजेंट होती है इनके बिटवीन, कि जो बेसिकली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो जो हार्मोन्स के रिजल्ट में ये डिजॉल्व होती है, और जो वजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल होती है। तो ये जॉइंट उस टाइम पे डिजॉल्व होता है, और जो बेबी का हेड है वो ताकि पास हो सके, ठीक है। तो
ये जो सिंफोसिस प्यूबिस पे जो कार्टिलेज है बेसिकली ये डिसॉल्व होती है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम सिंफोसिस प्यूबिस कहते हैं। ठीक। अच्छा, और इसमें एक जो आपने पॉइंट याद रखना है पेल्विक गर्डल में, वो है एसिटेबुलम। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है? एसिटेबुलम। एसिटेबुलम ऐसा पार्ट है जिसपे जो तीनों जो हिप बोन्स हैं वो आके आपस में मिल रही होती हैं। एक चीज एसिटेबुलम क्या है कि जहां पे उस पॉइंट पे तीनों बोन्स जो पेल्विस की सॉरी जो हिप बोन्स हैं सॉरी हिप बोन्स के जो इंडिविजुअल बोन्स हैं वो आके मिलती हैं, इलियम, इस्कियम और जो है प्यूबिस। ठीक है, तो उसको जो है वो बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली एसिटेबुलम। ठीक है, तो एसिटेबुलम के जो एक ये एक कैविटी होती है और इसके अंदर आके फीमर का हेड फिट होता है। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर जो है वो इसमें आके एसिटेबुलम में आके फिट होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपने जो है वो याद रखनी है इसमें पेल्विक गर्डल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद ये कुछ डिफरेंस है बेसिकली बिटवीन द फीमेल पेल्विस एंड मेल पेल्विस। इसमें जो तीन चीजें हैं, एक तो ये है कि जो फीमेल की पेल्विस है बेसिकली वो एक वो मोर राउंड होती है। ठीक है, तो ये है कि मोर राउंड होती है और शैलो होती है, मतलब एक तरह मतलब शैलो मतलब कि उसमें जरा स्पेस ज्यादा होती है और उसमें ओवरऑल जो है उसका रूम ज्यादा होता है ताकि हेड ऑफ द जो है बेबी का उसको वो इजीली पास हो सके, जबकि जो मेल्स की पेल्विस है वो लेस राउंड होती है, लेस रूमियर होती है और लेस शैलो होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली बिटवीन द फीमेल पेल्विस एंड मेल पेल्विस, ताकि फीमेल्स में जो है वो चाइल्ड जो बर्थ है वो फैसिलिटेट हो सके। तो ये मोर राउंड है, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं और ये बुक में भी जो है वो इसकी डायग्राम जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, हेरा सिंफिसिस प्यूबिस जो है वो पार्ट है जहाँ पे दोनों प्यूबिस बोन्स जो है वो आके मिल रही होती है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, उस पार्ट को हम सिंफिसिस प्यूबिस कहते हैं। और वो जो जॉइंट है बेसिकली वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है और वो जॉइंट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ वो डिजॉल्व होता है ताकि जो वजाइनल डिलीवरी है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, और जो इसकी ट्यूबुलोसिटीज हैं ये बेसिकली इसका पार्ट है इस्कियम बोन का। ठीक है, इस्कियल ट्यूबरोसिटीज इस्कियम बोन का पार्ट है और ये इस्कियम जो बोन है बेसिकली ये एक तो पोस्टीरियर है, मतलब एक पोस्टीरियर पार्ट बना रही है हिप बोन का, और एक मतलब इंफीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है। ठीक है, तो इस्कियल ट्यूबरोसिटी वो वाला एक शार्प एक पार्ट होता है जो हम जब बैठते हैं तो वो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट किसी हद तक आता है। ठीक है, ट्यूबरोसिटी ऐसे मतलब एक उभरा हुआ पार्ट होता है मतलब नीचे की तरफ, उसको हम इसकी ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो फीमर का स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो है वो है फीमर। ठीक है, पेल्विक गर्डल हमने कर लिया, अब हम लोअर लिम्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, हमने दो चीजें करनी है,
एक पैल्विक गर्डल और एक लोअर लिम्स, ठीक है। लोअर लिम में जो लोअर लिम में जो अपर जो लेग है बेसिकली, जिसको हम थाई भी कहते हैं, ठीक है, वो एक बोन बना रही होती है, और वो जो है वो उसको हम फीमर कहते हैं। अपर लेग की जो बोन है, जो थाई, जिसको इसको हम थाई बोन भी कहते हैं, वो फीमर है, ठीक है। अब फीमर के बारे में जो है, जो चीजें आपने याद रखनी है वो है, एक तो ये है कि ये सबसे बॉडी की जो है वो एक लॉन्गेस्ट बोन होती है और हैवीएस्ट बोन है, सबसे भारी और सबसे लंबी बोन होती है फीमर, ठीक है। सबसे भारी जो एक इंडिविजुअल बोन है, एक उसमें सबसे भारी और सबसे लंबी जो बोन है वो फीमर है, ठीक है। अपर लेग या थाई बोन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट है, इसका अगर हम डायग्राम जरा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जरा, ये फीमर है बेसिकली, बुक में भी डायग्राम है, बुक में भी देख लें, इधर देख लें, इधर देख लें, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो इसका मेन पार्ट है, जो कि फिट होता है उसके साथ है, पेल्विक गर्डल के साथ बेसिकली, और बेसिकली किसके साथ है, हिप बोन है उसके साथ, तो उसको हम मतलब इसका पार्ट है वो हेड है, जिसमें फिट होता है उसको उसको हम एसिटेबुलम कहते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द फीमर फिट होता है किसमें, एसिटेबुलम में, ठीक है। और एसिटेबुलम किसका पार्ट है, हिप बोन का पार्ट है, कैविटीज ही है बेसिकली। और इसमें ये जो स्फेरिकल शेप्ड, एक बिल्कुल राउंड सा शेप का ये हेड होता है, ये उसमें जाकर फिट होता है। और ये जो जॉइंट बनाते हैं, इस जॉइंट को हम हिप जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट को हम, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटेबलम इज कॉल्ड एज हिप जॉइंट, ठीक है। उसके बाद, हेड के बाद जो नीचे वाला, ये जो थोड़ा सा मतलब थिन सा पोर्शन है कंपैरेटिवली, इसको हम नेक कहते हैं, ठीक है। इस जॉइंट को, सॉरी, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेक, ठीक है। और ये जो मोस्टली इस पार्ट का जो है वो फ्रैक्चर बड़ा कॉमन होता है ओल्ड एज में, क्योंकि वो हेड उसमें फिट हुआ होता है, और जब भी जो मतलब कोई भी जो ओल्ड एज बूढ़े जब गिरते हैं, तो ज्यादातर जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पे मतलब अगर आ जाए तो ये पॉइंट जो है वो इजीली टूट जाता है। हेड ऑफ द सॉरी नेक ऑफ द फीमर जो है, इसका फ्रैक्चर थोड़ा कॉमन है ओल्ड एज में, तो हेड के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नेक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है, नेक के बाद आपको जो है वो दो ट्रोकेंटर, दो ऐसे उभरे हुए पोर्शन आपको इसमें नजर आएंगे, ठीक है। एक को हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं, एक को हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है। एक को हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं और दूसरे को हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं, जबकि दूसरे को हम लेसर ट्रोकेंटर क्लास आवाज नहीं आ रही।
क्लास आवाज नहीं आ रही आप लोग? क्लास अच्छा ठीक है, इसको हम जो आपने जब हमने ह्यूमरस का डिस्कस किया था उसमें आप हमने पढ़ा था एक ट्यूबरकल्स पढ़े थे हमने, ठीक है ठीक है, अगर याद हो हमको और आप लोगों को, तो एक ग्रेटर ट्यूबरकल था और एक लेसर ट्यूबरकल था। इसी तरह जो फीमर के ये जो उभरे हुए पार्ट हैं जो नेक के नीचे हैं, ठीक है, एक को हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं जो सुपीरियर होता है जरा ऊपर करके है, ठीक है, जबकि जो नीचे वाला है उसको हम लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है। और ये आप जरा जो बुक में डायग्राम है उसको जरा गौर से देखें, ठीक है, जो बुक में डायग्राम है उसको जरा गौर से देखें, एक्सक्यूज, इसमें आपको बड़ा क्लियरली ये दोनों ट्रोकेंटर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो एक पार्ट है एक लाइन सी है उसको हम इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं, ठीक है, दोनों ट्रोकेंटर के दरमियान एक लाइन सी है, एक बड़ी शार्प सी छोटी सी लाइन है, इसको हम इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं, ठीक है। दो 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 ट्रोकेंटर हो गए, ठीक है, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर है और एक लेसर ट्रोकेंटर है, और ये ज्यादा विजिबल उस डायग्राम है जो बुक में बनी है उसमें जरा आप देखें, हेड है, हेड के नीचे मतलब नेक है, नेक के बाद दो ट्रोकेंटर है, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर है और एक लेसर ट्रोकेंटर है, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान एक लाइन है जिसको हम इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऊपर वाला जो फीमर के कुछ जो पार्ट्स, उसके बाद फीमर की जो बॉडी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, शाफ्ट ऑफ द फीमर कहते हैं, ठीक है, ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो है शाफ्ट है, ठीक है। एक जो एक उभरी हुई लाइन होती है इस पे फीमर के ऊपर, और ये थ्रू आउट इसकी लेंथ जो है वो कंटिन्यू रहती है, इसको हम इस लाइन को हम लीनिया एस्परा कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लीनिया एस्परा कहते हैं, इस लाइन को हम लीनिया एस्परा कहते हैं। उसके बाद जो है वो पोस्टीरियर साइड पे जो ये जो बेसिकली बुक के अंदर जो डायग्राम बनी है ये लेफ्ट फीमर की है और इसका मतलब बैक साइड का व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, इस जो जो नीचे करके जो पोस्टीरियर सरफेस है इसकी उसको हम पोप्लीटियल सरफेस कहते हैं, उसको हम पोप्लीटियल सरफेस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद उसी तरह जो जब हमने ह्यूमरस का डिस्कस किया था तो हमने जो नीचे करके जो उसके दो पार्ट्स आते हैं वो एपिकोंडाइल्स हैं, याद है ना सबको, ठीक है, एक जो लैटरल साइड पे होता है उसको लैटरल एपिकोंडाइल कहते हैं और जो मीडियल साइड पे होता है उसको हम मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बुक में लेबल नहीं किए हुए लेकिन ये जो है वो आप इसको अगर उसके साथ आपने लेबल करना है तो कर लें, ठीक है। बुक में देखें आपको दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल और एक लैटरल कॉन्डाइल नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है ना सबको बुक में, बुक में देखें आपको दो पार्ट्स इसके नजर आ रहे हैं फीमर के, एक मीडियल कॉन्डाइल है और एक लैटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। अच्छा इस इन दोनों पार्ट्स के इमीडिएटली जो ऊपर हैं बिल्कुल जो ऊपर हैं बेसिकली पार्ट्स जो भी वो भी साइडों पे निकले हुए हैं इनको आप लेबल कर लें, जो मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर है इसको आप लेबल करें मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, इसको आप लेबल करें मीडियल एपिकोंडाइल, और जो लैटरल कोंडाइल के ऊपर है उसको आप लैटरल एपिकोंडाइल लेबल कर लें। द पार्ट प्रेजेंट अबव द मीडियल कोंडाइल इज नोन एज मीडियल एपिकोंडाइल एंड द पार्ट प्रेजेंट अबव द लैटरल कोंडाइल इज कॉल्ड एज लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है।
एक्सक्यूज। ठीक, तो ये जो है हमने मतलब फीमर के लिहाज से ये चीजें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो फीमर लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन, ठीक है, हेड जो है वो फिट होता है ऐसी टेबुलम में, हेड के नीचे जो है उसका पार्ट है वो नेक है, नेक के बाद जो है वो दो ट्रोकेंटर है, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर है और एक लेसर ट्रोकेंटर है। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों के दरम्यान जो लाइन है इसको इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं, एक फिर जो लाइन उभरी हुई लाइन होती है एक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ फीमर चल रही होती है उसको हम लीनिया एस्परा कहते हैं, और जो इसका जो जो लार्जेस्ट पार्ट है बेसिकली वो शाफ्ट या इसको बॉडी कहते हैं, उसके बाद बॉडी जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल्स हैं, और इन दोनों कोंडाइल्स एपिकोंडाइल्स के नीचे मीडियल और लेटरल कोंडाइल्स रिस्पेक्टिवली हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली फीमर का जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में कम चीजें हैं जो मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है बुक में, और लेकिन इसको जो है आपने ये जो जैसे ग्रेटर ट्रोकेंटर लेसर ट्रोकेंटर ये जो है ये उसमें नहीं है, लीनिया एस्परा, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और ये नहीं है। ठीक है, और हाँ इसमें ये जरूर दिया हुआ है कि जो है वो जो कॉन्डाइल्स हैं बेसिकली मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल, ये आगे फिर बेसिकली दोनों कॉन्डाइल एक तो टिबिया जो बोन स्टार्ट होती है लोअर लेग की वो बेसिकली एक्सक्यूज वो बेसिकली दोनों जो ये जो दोनों कॉन्डाइल्स हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं उसके साथ टिबिया के साथ और साथ पटेला जो है नी कैप उसके साथ, और ये जो है वो बेसिकली उस पॉइंट और बना कह रहे हैं बेसिकली नी जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चीजें आपने उस लिहाज से जो है चीजें आपने फीमर के लिहाज से ये जो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक और भी क्वेश्चन है तो पूछूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्लास पूछूँ। क्लास को क्वेश्चन है इसमें पूछ लो। निम्रा जो ट्रोकेंटर है ये दो हैं बेसिकली, जिस तरह उसके हमने पढ़े थे ट्यूबर्कल पढ़े थे ह्यूमरस के, उसी तरह इसके जो है वो ट्रोकेंटर है, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर है और एक लेसर ट्रोकेंटर है। ये बुक में आप जो डायग्राम है उसमें आप बड़े बड़े विजिबल हैं, और ये इन दोनों के दरम्यान जो लाइन है उसको हम इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शंस हैं, प्रोमिनेंसेस हैं, बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, और इनको हम फीमर के जो ये पार्ट है इनको हम ट्रोकेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, शानदार जो लीनिया एस्परा है ये एक लाइन होती है जो
उभरी हुई लाइन है बेसिकली थ्रू और लेंथ ऑफ द शाफ्ट है, ये चलती है, इसको हम लिनिया एस्परा कहते हैं। ठीक है, अभी जो पोपलीटियल सरफेस होती है ये फीमर का जो है बेसिकली एक पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और क्योंकि बेसिकली ये इस एरिया को हम बेसिकली ओवरऑल पोपलीटियल कहते हैं। यहाँ पे हम जो एक अगर आपने F1 में पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम पल्स भी एक ऑस्कल के उसको कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं, और वो है पोपलीटियल, उसको हम पल्स कहते हैं। वो इसी मतलब रीजन की वजह से हम उसको पोपलीटियल कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक तो ये है कि आर्टरीज, वेन्स और जो लिम्फ नोड्स हैं ये जरा इस एरिया से पास ऑन मतलब डाउनवर्ड जो है वो जा रहे होते हैं या नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं। इस एरिया में जो है वो ये रिच एरिया होता है बेसिकली नर्व्स के लिहाज से, ब्लड वेसल्स के लिहाज से, लिम्फ वेसल्स के लिहाज से। तो ये इस एरिया को हम पोपलीटियल सर्फेस कहते हैं। ये बेसिकली पोस्टीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है फीमर का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्लास के और क्वेश्चन यहाँ तक आप पूछें तो आगे चलता हूँ। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्वेश्चन है, आगे चलें। क्लास आवाज आ रही है सबको? क्लास अच्छा, नेक्स्ट जो है क्लास नेक्स्ट जो है वो बेसिकली लोअर लेग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और लोअर लेग में बेसिकली दो बोन्स हैं, जिस तरह फोर आर्म में दो बोन्स हैं, एक रेडियस थी एक अल्ना थी, इसी तरह जो लोअर लेग है इसमें टू बोन्स होती हैं, एक टिबिया होती है और एक फिब्यूला होती है। ठीक है, एक टिबिया होती है और एक फिब्यूला होती है। ठीक है, जो जो पहली बोन है और ये बेसिकली ये बोन मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बोन मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है और ये जरा एक वाइड बोन होती है, एक चौड़ी सी होती है बोन। ठीक है, इसको हम टिबिया कहते हैं। मैं आपको जरा, ठीक है, ये जरा डायग्राम देखें। ठीक है, एक एक राइट लेग लोअर लेग है और एक लेफ्ट है। ठीक है, अब आपको जो मीडियल साइड पे बोन नजर आ रही है ये टिबिया है। ठीक है, दोनों साइड पर। ठीक है, जबकि लेटरल साइड पे जो थिन बोन नजर आ रही है, लंबी सी और थिन बोन, ये फिब्यूला है। ठीक है, ये कौन सी बोन है? ये फिब्यूला बोन है। क्लियर है? अब इसमें लेग के लिहाज से, आपने लोअर लेग के लिहाज से एक चीज याद रखनी है कि फीमर के साथ इन दोनों बोन्स में सिर्फ टिबिया इन कांटेक्ट होती है फीमर के साथ। ठीक है, और जो फिब्यूला है ये टिबिया के साथ इन कांटेक्ट है। ठीक है, जो फिब्यूला है ये टिबिया के साथ इन कांटेक्ट है, जबकि जो टिबिया है वो फीमर के साथ, जो अपर लेग की जो थाई बोन है उसके साथ इन कांटेक्ट है। ठीक है, तो जो टिबिया है ये एक मतलब मीडियल साइड पे बोन प्रेजेंट है, जरा बड़ी है कंपैरेटिवली, चौड़ी है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? टिबिया। ठीक है, मीडियल बोन है और इसमें जो टिबिया के लिहाज से जो आपने जो कुछ चीजें जो है वो जो चीज याद रखनी है वो एक एक तो ये है कि ये दो जॉइंट्स बना रही है। ठीक है, मतलब टिबिया और फिब्यूला का आपस में
दो जगहों पे जॉइंट बन रहा है, ठीक है, एक प्रॉक्सिमल पॉइंट बन रहा है और एक डिस्टल पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, एक प्रॉक्सिमल पॉइंट पे बन रहा है, एक डिस्टल पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल है, ठीक है, प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है उसको हम जो प्रॉक्सिमल है उसको हम प्रॉक्सिमल जो ऊपर वाला है उसको हम प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो नीचे वाला है इसको हम डिस्टल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। दो जॉइंट्स हैं जो इनके आपस में मतलब जो टिबिया और फिब्यूला का आपस में जो जॉइंट है, वो एक ऊपर वाला जो है वो उसको हम प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट कहते हैं, जबकि नीचे वाले को हम डिस्टल टिब्यूलर जॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब जरा ये इस डायग्राम को जरा गौर से देखें, ठीक है। बुक में भी ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जो टिबिया के जो पार्ट्स हैं मेन, वो जरा गौर से देखें। इसमें आपको दो ऊपर जो है जो जो चीजें ये उतरा जो चीजें याद रखनी है आपने टिबिया के लिहाज से, इसके दो कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। एक मीडियल कॉन्डाइल है और एक लैटरल कॉन्डाइल है, ठीक है। दो कॉन्डाइल है, ठीक है, और ये इसकी जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, जो ऊपर वाली एक्सट्रीमिटी है, अपर एक्सट्रीमिटी इसकी टिबिया की, इसके दो कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। ये चीजें बेसिकली मोस्टली पूछी जाती हैं उसमें वायवा में, ठीक है। प्रैक्टिकल जब होता है तो ये बोन्स पड़ी होती हैं और हमने इनके बेसिकली इनके रीजन्स के या इनके पार्ट्स के नाम बताने होते हैं। तो ये जो टिबिया अगर पूछते हैं तो उसमें जो इसकी जो अपर एक्सट्रीमिटी या प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, इसके ऊपर जो दो साइडों पे मतलब दोनों साइड्स पे हैं जो रीजन हैं, इनको हम कॉन्डाइल्स कहते हैं। एक मीडियल कॉन्डाइल है और एक लैटरल कॉन्डाइल है। ये दोनों कॉन्डाइल मिलते हैं फीमर के साथ, ठीक है, और नी जॉइंट बना रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, ठीक है। जबकि एक तो यह है कि ये दोनों कॉन्डाइल उसके साथ इन कॉन्टेक्ट है फीमर के साथ और नी जॉइंट बना रहे होते हैं, जबकि जो फिब्यूला है अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हेड ऑफ द जो फिब्यूला है वो भी इसके लैटरल कॉन्डाइल के साथ इन कॉन्टेक्ट और प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट बना रहा है, ठीक है। वो भी जो हेड ऑफ द फिब्यूला है वो मिल रहा है इसके लैटरल कॉन्डाइल के साथ और प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट बना रहा है, ठीक है। तो एक तो यह है कि इसका जो ऊपर वाले कॉन्डाइल हैं उनके साथ वो फीमर के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं और इन एक कॉन्डाइल के साथ पोस्टीरियर साइड सॉरी जो इंफीरियर साइड है इसके मतलब इसके नीचे कॉन्डाइल की उसके साथ हेड ऑफ द फिब्यूला भी जाके अटैच्ड है और प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा मतलब उसके बाद फिर ये जो है वो बेसिकली इसकी बॉडी है टिबिया की, और बॉडी के बाद बॉडी जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे जो इसका पार्ट है जो मीडियल साइड पे है जो निकला हुआ बाहर की तरफ पार्ट है मीडियल साइड पे, इसको हम मीडियल मैल्यूलस कहते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? मीडियल मैल्यूलस। ये जो मीडियल मैल्यूलस है ये हम फील भी कर सकते हैं, ये जब जो हमारा एंकल है ये जो जिसको उर्दू में टखना भी कहते हैं, इसका जो अंदर की तरफ जो उभरा हुआ एक बाहर जो पार्ट होता है बेसिकली जो हम फील भी कर सकते हैं मीडियल मैल्यूलस है, और ये टिबिया का पार्ट होता है, ठीक है। लैटरल साइड पे जो हमें मैल्यूलस फील होता है वो फिब्यूला का पार्ट होता है जिसको हम मतलब लैटरल मैल्यूलस कहते हैं,
ठीक है, लैटरल मैल्यूलस फिब्यूला का पार्ट है, मीडियल मैल्यूलस टिबिया का पार्ट है, ठीक है। और नीचे भी जो है टिबिया और फिब्यूला एक दूसरे के साथ जॉइंट बना रहे हैं, जिसको हम डिस्टल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट कहते हैं, ठीक। और ये भी जो दोनों बोन्स हैं, एक तो ये कि ये इन दो जॉइंट्स के थ्रू आपस में इन कांटेक्ट है, और दूसरा इनके दरमियान भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये बुक में नहीं है, इसको आप लिख लें कि इन दोनों बोन्स के बिटवीन भी एक मेम्ब्रेन, वो जो फाइबरस जो कनेक्टिव टिश्यू की एक मेम्ब्रेन है बेसिकली, वो इन दोनों बोन्स को आपस में होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछ लें। फिर उसके बाद जो है, जहाँ पे ये दोनों बोन्स खत्म हो रही हैं, तो टार्सल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह उसमें मतलब हमने अपर लिम में हमने कार्पल्स पढ़े थे, यहाँ पे जो है वो टार्सल स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पहला टार्सल है जिसके साथ ये दोनों बोन्स मतलब आके जो मतलब मिल रही हैं, उसको हम टैलस कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? टैलस। पहला जो टार्सल है जिसके साथ टिबिया और फिब्यूला आप आके आप मतलब ऊपर आके फिट होती हैं, उसको हम पहले टैलस को सॉरी टार्सल को हम टैलस कहते हैं, ठीक है। उसका नाम है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो दोनों बोन्स के बिटवीन प्रेजेंट है टिबिया और फिब्यूला के, उसको हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डायग्राम में जो है वो दी हुई है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। उसके बाद जो है हम टार्सल्स पे आते हैं। अब ये जो तीन बोन्स हैं, फीमर और टिबिया फिब्यूला, और ये जो है बेसिकली फीमर जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे उसके साथ इन कांटेक्ट होती है टिबिया, और वहाँ पे जो बेसिकली जॉइंट बनता है उसको हम नी जॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब नी जॉइंट पे एक जो और बोन प्रेजेंट होती है उसको हम पटेला कहते हैं, ठीक है। उस बोन का हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, और इसके जो है ये बेसिकली मैं उसमें देखता हूँ, ये बोन देखें आप, ये आप ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया है, और यहाँ पे जो है आपको ये जो एक नी कैप ट्रायंगुलर शेप बोन नजर आ रही है, ये पटेला है, ठीक है। ये जो है बोन कौन सी है? ये पटेला पटेला है, ठीक। ट्रायंगुलर शेप बोन है, और ये जो है बेसिकली जो है वो नी जॉइंट में प्रेजेंट होती है। इसकी जो बैक साइड है पोस्टीरियर सरफेस, वो उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है फीमर के साथ, जबकि जो है एंटीरियरली टैलो जो एक टेंडन होता है उसके साथ इसकी मतलब ये आर्टिकुलेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो है वो एक पटेला नी कैप भी इसको कहते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप बोन है, सेसामॉइड बोन भी वो हमने पढ़ा था उसमें एक टाइप है, और ये जो है वो नी जॉइंट में बेसिकली प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको नी कैप भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद जो है वो टार्सल स्टार्ट हो जाता है। टिबिया और फिब्यूला के बाद जो टार्सल्स हैं वो सेवन टार्सल्स होते हैं बेसिकली, और वो स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। उसमें जो है
टार्सल्स में जो है वो बेसिकली 7 टार्सल्स होते हैं। पहली जो चीज़ आपने याद रखी है वो ये है, कार्पल्स 8 होते हैं जबकि टार्सल्स 7 होते हैं। ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, 7 टार्सल्स होते हैं और उनके नाम है। ठीक है, पहले वाले सबसे पहले टार्सल को हम टैलस कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके ऊपर आके टिबिया और फिबुला फिट होते हैं। पहले ये मेरा डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम नजर आ रही है सबको? सबसे पहला जो टार्सल है उसका हम टैलस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टार्सल है उसको हम टैलस कहते हैं। और इस डायग्राम में आप देखें तो बड़ा विजिबल है कि ऊपर से टिबिया और फिब्यूला आके इस टैलस पे आके फिट हो रही हैं। हो रही हैं कि नहीं हो रही? नजर आ रहा सबको? ठीक है, तो ये जो टिबिया और फिब्यूला हैं दोनों, ये आके जिस पहले टार्सल पे फिट हो रही है उसको हम टैलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपको टैलस के नीचे नीचे भी इन्फीरियर भी पोस्टीरियर भी जो टार्सल नजर आ रहा है वो कैलकेनियस है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टार्सल है वो है कैलकेनियस। ठीक है, ये कैलकेनियस भी टार्सल है बेसिकली उसी का, और ये हमारी हील बना रहा है। अगर आप ये देखो, इसको इस एरिया को हम हील कहते हैं ना, सिंपल टर्म्स में हम उसको क्या कहते हैं, हील कहते हैं। तो टैलस के नीचे भी और पोस्टीरियर भी जो एक जो टार्सल है उसको हम क्या कहते हैं, कैलकेनियस कहते हैं। ठीक है, और ये कैलकेनियस हमारी जो है वो बेसिकली क्या बना रहा है, हील बना रहा है। ठीक है, तो जो फुट है बेसिकली उसका कौन सा पार्ट, हील, हील बना रहा है। ठीक है, एडी जो जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये दो हो गए, और उसके बाद जो इनके टैलस के और कैल जो टैलस के जो इंटीरियर है आगे उसको हम नेविकुलर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नेविकुलर कहते हैं। ये भी लेबल किया हुआ है इसमें। ठीक है, और जबकि कैलकेनियस के इंटीरियर जो है वो प्रेजेंट है, वो है बेसिकली मतलब कैलकेनियस के आगे वो है क्यूबॉइड। ठीक है, तो टैलस के साथ नेविकुलर है, कैलकेनियस के साथ क्यूबॉइड है। ठीक है, ये चार हो गए, एक टैलस, एक कैलकेनियस, एक क्यूबॉइड, एक नेविकुलर, चार टार्सल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो थ्री जो और जो टार्सल्स हैं फर्दर, वो उनको हम क्यूनिफॉर्म्स कहते हैं। उन तीनों को हम क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म्स, तीनों को हम। और ये आपको नेविकुलर के जो बेसिकली आगे जो है वो नजर आपको आ रहे हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, थ्री क्यूनिफॉर्म्स। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सेवन जो है वो टार्सल्स कंप्लीट हो गया। एक टैलस है, एक कैलकेनियस है, एक नेविकुलर है, एक क्यूबॉइड है, और थ्री क्यूनिफॉर्म्स है। तो इनके आप लोगों ने जो है वो नाम जो है वो याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो है अब टार्सल के बाद उसी तरह मेटाटार्सल्स हैं, जैसे उसमें मेटाकार्पल्स होते हैं, फुट में जो है वो मेटाटार्सल्स होते हैं। ठीक है, ये भी फाइव होते हैं। ये क्या होते हैं, फाइव जो है वो बेसिकली मेटाटार्सल्स हैं, और ये जो सोल ऑफ द फुट है वो बना रहे हैं। ठीक है, सोल ऑफ द फुट जो है वो ये मेटाटार्सल्स बना रहे हैं। ठीक है, और जो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इन मेटाटार्सल्स का, ये टार्सल्स के साथ
जॉइंट बना रहा है, जबकि जो इनका डिस्टल पार्ट है ठीक है वो फेलेंजेस के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है। ठीक है, मेटाटार्सल्स का प्रॉक्सिमल जो पार्ट है वो टार्सल्स के साथ इन कॉन्टेक्ट है, आर्टिकुलेट हो रहा है, उनके साथ जॉइंट बना रहा है, जबकि जो इनका डिस्टल पार्ट है उसको वो इनके साथ इन कॉन्टेक्ट है फेलेंजेस के साथ। ठीक है, तो मेटाटार्सल्स कितने हैं? फाइव मेटाटार्सल्स हैं, एक इनका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और एक इनका डिस्टल पार्ट होता है, और बेसिकली ये मेटाटार्सल्स बना क्या रहे हैं, जो सोल है फुट का वो बनाते हैं। ठीक, अच्छा, इन मेटाटार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स के बाद जो है वो क्या है, फिलेंजेस है। मेटाटार्सल्स के बाद क्या है, फिलेंजेस हैं, और वो भी कितनी होती हैं, बेसिकली 14 फिलेंजेस होती हैं। ठीक है, और ये जो फिलेंजेस है बेसिकली क्या बना रही है, टोज बना रही है। ठीक है, जो पाँव की उंगलियां होती हैं उनको हम टोज कहते हैं, और जो हाथ की उंगलियां होती हैं उनको हम फिंगर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने इसको टोज लिखना है, फिंगर्स नहीं लिख देना। ठीक है, तो और ये फिलेंजेस जो है वो बेसिकली 14 होती हैं। ठीक है, जो दो जो है वो जो पाँव का अंगूठा होता है उसको हम ग्रेटर टो कहते हैं। ठीक है, पाँव के अंगूठे को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर टो कहते हैं, और उसको हम हेलक्स भी कहते हैं। उसका जो मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी में उसको हम क्या कहते हैं, हेलक्स भी कहते हैं। ठीक है, ठीक क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो उसमें ग्रेटर टो में जो है वो टू फिलेंजेस होती हैं। ठीक है, एक प्रॉक्सिमल होगी, एक डिस्टल होगी। ठीक है, जबकि बाकी जो टोज हैं इनमें थ्री जो है वो फिलेंजेस होती हैं एवरी टो में। ठीक है, और उसको हम प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल मिडल और डिस्टल जो है इस तरीके से जो है वो हम डिनोट करते हैं। ठीक है, रहेगा याद? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ लो। अब इसमें लोअर लिम्ब में तो कौन कौन सी चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक सबसे पहले जो है वो फीमर है, अपर लेग की बोन या थाई बोन, फीमर के बाद जो है वो दो बोन आती है, मतलब फीमर के जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे नी जॉइंट बन रहा है, और नी जॉइंट कैसे बन रहा है, नी कैप है पटेला और ऊपर से फीमर है, नीचे से जो है वो टिबिया, ये मिलके बना क्या बना रही है, नी जॉइंट बना रही है, उसके बाद जो है वो नीचे लोअर लेग स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो लोअर लेग में जो है वो दो बोन्स हैं, एक टिबिया एक फिब्यूला, जो मीडियल साइड पे बोन होती है चौड़ी सी बड़ी सी उसको हम टिबिया कहते हैं, जो लेटरल साइड पे बोन होती है थिन सी पतली सी लंबी सी वो फिब्यूला है। ठीक है, ये दोनों बोन्स आपस में भी जॉइंट बना रही हैं। ठीक है, दोनों बोन्स आपस में, हीरा मैं रिपीट कर रहा हूँ, टिबिया और फिब्यूला, दोनों बोन्स बेसिकली, टिबिया जो है वो मीडियल बोन है, फिब्यूला जो है वो फिब्यूला जो है वो लैटरल बोन है लोअर लेग के। दोनों बोन्स, इनमें जो टिबिया है बेसिकली उसके जो अपर पार्ट है उसको हम अपर जो एक्सट्रीमिटी है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी उसके वहां पे उसके दो कॉन्डाइल्स होते हैं, ये दोनों कॉन्डाइल्स फीमर के साथ जो है वो दोनों कॉन्डाइल्स फीमर के साथ जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसका जो पार्ट है वो बेसिकली शाफ्ट या बॉडी स्टार्ट हो जाती है, और इसके लैटरल कॉन्डाइल के साथ फिब्यूला भी अटैच्ड होती है, हेड ऑफ द फिब्यूला बेसिकली, और वहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है वो बन रहा है प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट बन रहा है। ठीक है, और एक नीचे जो जॉइंट बन रहा है उसको हम डिस्टल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट कहते हैं।
जो टिबिया और फिब्यूला के नीचे वाले जो पार्ट्स हैं जो साइडों पे थोड़े से निकले हुए होते हैं उनको हम मैल्यूलस कहते हैं, जो फिब्यूला का मैल्यूलस है उसको हम लेटरल मैल्यूलस कहते हैं, जो टिबिया का मैल्यूलस है उसको हम मीडियल मैल्यूलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो टिबिया जो है और फिब्यूला दोनों रेस्ट करते हैं टेलस के ऊपर, जो कि पहला टार्सल है, फर्स्ट टार्सल है। टार्सल के नीचे और मतलब पोस्टीरियर भी जो टार्सल है वो कैल्केनियस है, उसके बाद नेविकुलर है, एक क्यूबॉइड है, थ्री क्यूनिफॉर्म्स हैं, तो सेवन जो है वो टार्सल्स हैं। सेवन टार्सल्स के बाद फाइव मेटा टार्सल्स हैं जो कि सोल बनाते हैं, और उसके बाद जो 14 फ्लिंजेस हैं जो कि बेसिकली क्या बनाती हैं हमारे जो टोज हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। अच्छा, उसके बाद जो अभी आपके ये जो क्वेश्चन आए हैं उसमें दोबारा जो हेलक्स है वो बेसिकली जो हमारा जो ग्रेटर टो है जिसको हम पाँव का अंगूठा कहते हैं उसका नाम, उसको हम हेलक्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेटर टो को पाँव का अंगूठा है उसको हम हेलक्स कहते हैं, और इसमें जो जो फेलेंजेस होती हैं वो दो होती हैं, एक प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है और एक डिस्टल फेलेंक्स है, ठीक है। जबकि जो बाकी के टोज हैं उसमें थ्री होती हैं फेलेंजेस, एक प्रॉक्सिमल, एक मिडल और एक डिस्टल, ठीक है। और हाँ, जो बाल ऑफ द फुट है बेसिकली ये जो फर्स्ट जो मेटाटार्सल होता है ना, ठीक है, जो फर्स्ट मेटाटार्सल होता है, मेटाटार्सल्स को हम जो बेसिकली नंबरिंग देते हैं ना इनकी, जो वो हम थंब वाली साइड से स्टार्ट करते हैं और लैटरल साइड की तरफ जाते हैं। तो जो थंब वाला जो मेटाटार्सल होता है वो फर्स्ट मेटाटार्सल है, उसके बाद वाला सेकंड, और उसके बाद वाला थर्ड, और फिर फोर्थ वाला, लास्ट वाला जो है वो फिफ्थ मेटाटार्सल होता है। इसी तरह हमने बेसिकली उनकी नंबरिंग की थी जो मेटाकार्पल्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट मेटाटार्सल होता है ये किसी हद तक जो है इसका जो जो डिस्टल पार्ट होता है वो बेसिकली राउंड सा होता है, ठीक है, बड़ा राउंड सा होता है, और उस राउंड शेप की वजह से इसको बॉल ऑफ द फुट कहते हैं, ठीक है। उसको उस शेप की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, बॉल ऑफ द फुट कहते हैं। ये हम फील भी कर सकते हैं, जो अगर हम जो पाँव है इसका, इसके सोल वाली साइड पे हम टच करें तो आपको जो मीडियल साइड पे जो इसका एक पार्ट सा नजर आता है, मतलब हम फील कर सकते हैं उसको, वो जरा राउंड सा होता है, ठीक है। वो बेसिकली फर्स्ट मेटाटार्सल का एक पार्ट है, ठीक है, उसको हम बॉल ऑफ द फुट कहते हैं। और ये बेसिकली फर्स्ट मेटाटार्सल का हेड होता है, मतलब एक पार्ट है, वो राउंड सा होता है, बॉल शेप्ड होता है, इसलिए इसको हम बॉल ऑफ द फुट कहते हैं। क्लियर है यार? और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। ठीक है, तो लोअर लिम्स, पेल्विक गर्डर और लोअर लिम्स जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया। और कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ लो। तो चलिए मैं आप लोगों के अटेंडेंस लगा लूँ, फिर नेक्स्ट वाला चलिए टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, सारी सेकंड मरियम कौन कौन सी स्लाइड्स आपको देखनी होंगी? ठीक
मुझे स्लाइड्स बता दो, मैं मरियम कौन कौन सी स्लाइड्स आपको देखी है? आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो जिन स्टूडेंट्स के मेरे नाम लिखे हैं जो प्रेजेंट हैं, मैं उनके नाम बोलने लगा हूँ। अगर उनके अलावा अगर कोई प्रेजेंट है तो अपना अपनी अटेंडेंस लगवा लें। हफ्सा नोरीन, सना कंवल, अदील, सादिया मुख्तार, रोशना कंवल, मरियम शजर, सैरिश, निशा नसीम, शानजा बानो, लुबायना बतूल, खुशनूद, रौनिका फरूक, अदीना अंबर, निम्रा महरीन, हिरा जफर, समन चहल, आयशा शबीर। सादिया, आपका आपका नाम, आपके अटेंडेंस लग गई है। 7-8 स्टूडेंट्स और होने चाहिए, ये कम के नाम है। क्या आपका आपके अटेंडेंस लग गई? शमशा, आपकी भी लग गई। आज काम की लग गई अटेंडेंस। हाँ मरियम, आप स्क्रीन शॉट्स ले लेंगे।
मैं नाम दोबारा बोलने लगा, हफ्सा, नौरीन, सना कंवल, अदील, सादिया मुख्तार, रोशना कंवल, मरियम शजर, फैरिश, निशा नसीम, शानदा बानो, लुबायना बतूल, खुशनूत, रोनिका, अदीना, अंबर, निमरा, हिरा, समन, आयशा, आतिका, शमसा। इनके अलावा अगर तू तो प्रेजेंट है तो अपने अटेंडेंस लगवा। यही प्रेजेंट है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है। ठीक है।